नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं आज फिर बात करता हूँ। 25 नंबर के क्वेश्चन थे तो ये आपको मैं बता दिया हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो कम्युनिकेशन स्किल है आपका जो चैप्टर में और सिलेबस के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकेंड के दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है, ठीक है। तो चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन, सामूहिक विचार विमर्श के लिए निम्नलिखित में से किस हुनर का होना आवश्यक होता है, कौन सा सामूहिक विचार विमर्श के लिए किस हुनर का। तो अच्छी संवाद और कला, जैसे बीच में सभी लोग बैठे हैं और आप भी उसके बीच में बैठे हो और सभी लोग वार्तालाप कर रहे हैं, तो यही बात कहा जा रहा है कि वहाँ पर और उस जगह पे कौन सी कला आपका काम होगी। अच्छी संवाद, मतलब अच्छे संवाद, अच्छी बात, अच्छी विचार रखेंगे तो वहाँ पर सामूहिक विचार विमर्श हो जाएगा क्लियर, ठीक है। 26 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रभावी संचार के लिए एक स्पेस और रिसीवर होता है, एक स्पेस ऑप्शन सेंडर, प्रभावी संचार के लिए एक सेंडर मतलब भेजने वाला एक रिसीवर होता है, ये मैच करेगा ऑप्शन खाली स्थान की जगह के लिए, ठीक है। अगला है संचार है, 27 नंबर का कह रहा है कि संचार है, संचार जो होता है सूचना को आदान प्रदान करने वाला होता है। अगला है आपका 28 नंबर कह रहा है कि लिखित संचार स्पेस का उपयोग होता है। 28 नंबर का होता है लेटर, लिखित जो होता है वो लेटर, जैसे बच्चे कभी किसी प्रधानाचार्य जी को या अन्य किसी जगह पर या मित्र को दोस्त को अगर दूरियाँ रहती है या एक दूसरे तीसरे से कोई बात करना रहता है या कुछ लिख के देना रहता है तो लेटर के माध्यम से उसे कहेंगे लिखित संचार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संचार नहीं है, 29 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। सी फीडबैक जो होता है एक संचारी प्रभाव नहीं है, संचारी प्रभाव नहीं है। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर था 29 का सी आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से किस संचार के लिए कॉन्टैक्ट बनाया जाता है, किस संचार के लिए कॉन्टैक्ट बनाया जाता है। तो आपका 30 का जो क्वेश्चन आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉन वर्बल। कह रहा है किस संचार के लिए आई कॉन्टैक्ट है, आई कॉन्टैक्ट में हो जाएगा नॉन वर्बल, आई कॉन्टैक्ट में क्या होगा नॉन वर्बल आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला है 31 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है यहाँ पर 31 कह रहा बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखून को काटना संकेत क्या कहलाता है, बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखून को काटना 31 का ए स्ट्रेस कहलाता है, क्या कहलाता है स्ट्रेस कहलाता है। 32 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है, 32 नंबर कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है। तो 32 का हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी मतलब बातचीत बंद करना, जब स्पीकर बोल रहा हो प्रभावी सुनने वाले की बात कर रहा है, स्पीकर पर फोकस हो या साहसी स्पीकर हो। चलिए अगला क्वेश्चन की बात लेते हैं, 33 नंबर क्या कह रहा है यहाँ पर, 33 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संचार देते समय किसी सज्जन के लिए संवारने का मानक सही होता है। तो 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लीन सेव हो जाएगा आपका, साक्षार देते समय सज्जन के लिए संवारने का, तो क्लीन सेव का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल ए सुनने का भाग नहीं है, ट्रिपल ए सुनने का भाग नहीं है। तो 34 का हो जाएगा डी ऑप्शन, समायोजन बिल्कुल सही है, ठीक है। 35 की बात करेंगे यहाँ पर 35 नंबर का, तो 35 का हो जाएगा आपका बी, 8 विभिन्न पार्ट्स के आप पीच के फॉर्म को समझ लेने से ग्रामर सीखने का आधार तैयार हो जाता है। यहाँ पर 8 की बात करें तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आपका सही। 36 है कि आप किसी एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं तो एटीएम किसी मशीन में आपको 5000 दे देती है, तो निम्न में से नैतिक दृष्टि से क्या आप सही हैं, क्या आप सही हैं। तो 36 क्या हो जाएगा, शिकायत करें, कोई शिकायत का मौका देगा बच्चों कि नहीं देगा, शिकायत का मौका ही नहीं देंगे सब, लेकिन आपको क्या करना है ऑप्शन नंबर 36 का ए देना है, क्या है 36 का ए देना है, मतलब शिकायत करना है आपको, ऑप्शन नंबर 36 का ए देना है। 37 क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा संप्रेषण है, यहाँ पर संप्रेषण को आपको बताना है कौन सा अच्छा संप्रेषण है। तो 37 का ए हो जाएगा, संदेश स्पष्ट एवं सीधा होना चाहिए, संदेश स्पष्ट एवं सीधा होना चाहिए, 36 का ए और 37 का ए दोनों का ए है, ठीक है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पर 37 का ये आपका संदेश स्पष्ट हो सीधा हो। 38 की बात कर लेते हैं, किसी कार्य के विशेष के लिए, किसी कार्य विशेष के लिए समर्पण कहलाता है। कार्य विशेष के लिए 38 का सी हो जाएगा, प्रतिबद्धता, मतलब उसके प्रति प्रतिबद्धता है, आप प्रतिबद्ध हैं आप उस कार्य के प्रति, ठीक है, कि ये कार्य हमें करना है तो करना है, ये निश्चित है पूर्ण रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण नहीं है, तो ऑप्शन अनैतिक कार्य हो जाएगा, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अनैतिक कार्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर 39 का डी आपका हो जाएगा, 39 का आपका डी हो जाएगा, अनैतिक कार्य बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन बात करते हैं, 40 में देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। 40 का क्वेश्चन कह रहा है, प्रेरणा खोने का कौन सा कारण नहीं है, प्रेरणा खोने का कौन सा कारण नहीं है, तो 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दृढ़ता। दृढ़ अगर निश्चय रहेंगे तो आपका मन जो रहेगा, आपका प्रेरणा रहेगा, उसे खो नहीं पाएंगे आप, ठीक है। अगला है आपका 41 में, लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें से वर्गीकृत है, लक्ष्य मुख्य रूप से क्या वर्गीकृत है, तो ए अल्पकालिक और दीर्घकालिक वर्गित किया जाता है, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक वर्गित किया जाता है। थोड़ा मैं क्वेश्चन को स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि सभी लोगों का एग्ज़ाम है, इसमें ज़्यादा समझाऊँगा तो आपकी का टाइम वेस्ट होगा, कोई बात नहीं, जैसे कि मैं पार्ट भी पार्ट करके समझाता हूँ, उस पर वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, 42 का क्वेश्चन, 41 का अल्पकालिक या दीर्घकालिक हो जाएगा, इनमें वर्गीकृत लक्ष्य मुख्य रूप से इनमें से वर्गीकृत पूछ रहा था, तो अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक हो जाएगा, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बातचीत में बाधित है, कौन सा बातचीत में बाधित है, 42 का बी हो जाएगा, घबराहट। अगर आप घबराते हैं तो कहीं भी बातचीत कर रही करते हैं, कहीं इंटरव्यू हो, वाइबा हो, या 10 लोगों में बातचीत करता हो तो आप घबराहट की वजह से आप वहाँ बातचीत नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी कमियाँ होती है, तो इन कमियों को देखते हुए बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। चलिए 43 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इंटरव्यू के लिए कौन सा डाउंस है, यहाँ पर DON T यहाँ पर डाउंस दिया है आप देख सकते हैं, तो 43 का बी ऑप्शन अनौपचारिक कपड़े डाउंस, अनौपचारिक कपड़े के लिए ये क्या है, कौन सा एक डाउंस है, डाउंस मतलब अनौपचारिक कपड़े के लिए यूज कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए डाउंस, ठीक है, ओके। यहाँ पे अगला है 44 की बात करेंगे, इन ट्री सिंक यहाँ पर लिखा है, इन ट्री सिंक प्रेरणा है तो क्या है भाई, सी ऑप्शन हो जाएगा, दीर्घकालिक इसको प्रेरणा बोलेंगे, क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक प्रेरणा बोलेंगे। 45 क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से इफेक्टिव कम्युनिकेशन के 7C, S का कौन सा भाग नहीं है, 45 का डी हो जाएगा, कॉम्फोर्ट नहीं है आपका, ठीक है। मन की प्रसन्नता के लिए गाना सुनना निम्न में से इसके अंतर्गत आता है, निम्न में से किसके अंतर्गत आता है, तो 46 का सी जो हो जाएगा, प्रीसीएटिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। कहाँ पर, मन की प्रसन्नता के लिए प्रीसीएटिव लिसनिंग के अंतर्गत में आता है। साक्षात्कार के शिष्टाचार में क्या नहीं करना अनुचित होता है, साक्षात्कार के शिष्टाचार में, तो ऑप्शन नंबर डी, नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलना, जो सत्य है सही है वो सही सही बोलना चाहिए, योग्यता में कोई भी छिपाना नहीं चाहिए, कोई गलतियाँ हो तो उसे छिपा के नहीं बोलना चाहिए, फिर बाद में आपको ये सब दिक्कतें आने लगती हैं। चलिए आगे बात कर रहे हैं, किसी कार्य के प्रति निष्ठा कहलाती है, किसी कार्य के प्रति निष्ठा का प्रतिबद्धता, बिल्कुल ये कई बार क्वेश्चन रिविजन होते का आप देख सकते हैं, NCVT का 2015 का है, 2015 का है, हर बार ये क्वेश्चन कहीं रिवेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बार बार करवा रहा हूँ कि जो एग्जाम में आ रहेगा क्वेश्चन हो सके तो वही सेम क्वेश्चन आ जाए और आपका एग्जाम अच्छे से हो जाए, ठीक है। अगला बात करेंगे 49 क्वेश्चन की, सफलता पाने के लिए निम्न में से कौन सा विशेषता होना आवश्यक नहीं है, सफलता पाने के लिए 49 का डी हो जाएगा, सफलता अनैतिक कार्य जो होगा आपका क्या है कि विशेषता का होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक अगर है कि नहीं है, यहाँ पर नहीं है तो अनैतिक कार्य हो जाएगा, अनैतिक कार्य नहीं है यहाँ पर। चलिए अगला बात कर लेते हैं, 50 का क्या है, 50 का एक समूह चर्चा में आपकी सहमति को व्यक्त करने वाला वाक्य क्या कौन सा है,
50 नंबर की क्वेश्चन की बात करते हैं, 50 का सी हो जाएगा। इस मुद्दे पर मैं अपने विचार को स्वीकार करता हूँ, मतलब एक समूह में चर्चा की आपकी सहमति को व्यक्त कर, सहमति तो इस मुद्दे पर मतलब सभी लोगों को लेते हुए आपके विचार को स्वीकार करता हूँ, ये बात स्मरण करता है वहाँ पे। चलिए, फ़ोन पर हुई निम्न वार्ता के लिए उपयुक्त प्रति उत्तर क्या होगा? फ़ोन पर बात किया है तो बी ऑप्शन हो जाएगा, निश्चय रूप से महोदय हम जल्द से जल्द इंजीनियर को भेज देंगे, क्या आप अपनी पता बता देंगी, ये आपका क्या हुआ, फ़ोन पे बात की वार्तालाप के प्रति उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है 52 नंबर देख लेते हैं। 52 नंबर यहाँ पे कह रहा है कि एक व्यक्ति जो इंडस्ट्री में मशीनों की मरम्मत तथा सर्विस का कार्य करता है उसे, 52 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैकेनिक कहते हैं। नेक्स्ट है, हेलो शंकर, मैं रामानुजन बोल रहा हूँ, मेरे साथी शिवा ने बताया कि रवि ने मुझे 12 बजे दोपहर में फ़ोन किया था, क्या वह उपलब्ध है? इस वार्तालाप में संदेश वाले तथा प्राप्त करने वाले को पहचानिए, यहाँ पर 53 का ये ऑप्शन हो जाएगा, भेजने वाला रामानुजन, प्राप्त करने वाला शंकर है, भेजने वाला रामानुजन है या प्राप्त करने वाला शंकर है, यह ऐसा भी क्वेश्चन बहुत खतरनाक आता है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, 54 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 54 का, राकेश एक ही हाल में इंजीनियर प्राप्त ग्रेजुएट है जिसे एक साक्षात्कार में प्रस्तुत होना है, राकेश एक हाल ही में इंजीनियर प्राप्त ग्रेजुएट है जिसे एक साक्षात्कार में प्रस्तुत होना है, साक्षात्कार लेने वाले ने उससे पूछा, आज से 6 वर्ष बाद आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? आपके अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तर श्रेष्ठ होगा? अब आपको बताना है कौन सा उत्तर श्रेष्ठ होगा, तो बताइए उत्तर कौन सा श्रेष्ठ, 54 का ये हो जाएगा बिल्कुल। मुझे विश्वास है कि 6 वर्षों में मैं प्रोजेक्ट लीडर के स्थान पर पहुंच जाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट लीडर के स्थान पर पहुंच जाऊंगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग दृश्यों को कैप्चर तथा स्टोर करने के लिए किया जाता है? जब आप एक पहाड़ी स्टेशन विजिट करने जाते हैं, पहाड़ी स्टेशन विजिट की बात करें, ऑप्शन नंबर डी डिजिटल कैमरा की बात करेंगे, पहाड़ी स्टेशन डिजिटल की बात करें, डिजिटल कैमरा हो जाएगा। दृश्यों को कैप्चर तथा स्टोर करने के लिए किया जाता है, किसका प्रयोग है? भाई डिजिटल कैमरा का प्रयोग किया जाता है। 56 कह रहा, शब्दों का एक समूह जो वाक्य बनता है परंतु पूरा वाक्य नहीं कहलाता, ये कौन सा है? 56, तो 56 का ये हो जाएगा, लोकोक्ति हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है यहाँ पर, संतावन नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, हमें संचार के समय 57 का सी, ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनना चाहिए, हमें संचार के समय ध्यानपूर्वक स्पीकर को सुनना करना चाहिए या सुनना चाहिए। ठीक है, 58 निम्नलिखित में से कौन सा एक गणन संख्या नहीं है? गणन संख्या नहीं है, 58 का सी हो जाएगा आपका, 18वीं ये आपका गणन संख्या नहीं है। नेक्स्ट है सफलता की कुंजी है 59 नंबर की बात करेंगे, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, अनुशासन, प्रतिबद्धता, कठोर कार्य, ये सब है क्या है सफलता की कुंजी होती है। नेक्स्ट है 60 नंबर का, कह रहा है कि एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट शब्द बोल सकता है, सामान्य व्यक्ति 125 से 150 बोल सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, 60 का ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते, शब्द है ब्लेंड, BLEND का समानार्थी क्या है? यहाँ पर 61 का हो जाएगा, एक MIX मिक्स हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है मुहावरे बोलचाल में प्रदान किया जाता है, तो 62 का डी ऑप्शन हो जाएगा, अवरोध प्रदान करता है मुहावरे बोलचाल में। अगला बात करेंगे 63 नंबर, ठीक है, गुड समय 10 बजे हैं। अब यहाँ पर इसको उठा के लगाना है, तो गुड मॉर्निंग, समय 10 बजे हैं, CV का विस्तारक रूप लिखिए, यहाँ पर CV का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करिकुलम वीटा हो जाएगा, यहाँ पर कैरिकुलम वीटा ध्यान दीजिएगा, सब थोड़ा थोड़ा स्पेलिंग चेंज किया है यहाँ पे, फर्दे आंसर गलत मार देंगे।
65 में मौखिक संचार का उपयोग करता है। मौखिक संचार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पीच है, मौखिक संचार स्पीच के लिए करता है। 66 हो जाएगा, यहाँ पर बातचीत करने में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है, तो हो जाएगा कम सुनना, बातचीत करते समय कौन सी बाधा, कम सुनना, ये बाधा हो जाती है, कम सुनना। 66 के 67 की बात करेंगे अब, निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत में नहीं आता है। सकारात्मक व्यवहार के अंतर्गत में उदासी, सकारात्मक में नहीं है, उदास है, ये बिल्कुल उदास है। 68 है, बॉडी लैंग्वेज के अनुसार छाती के सामने क्रास्ट भुजा संकेत करता है। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार छाती के सामने क्रास्ट भुजा, 68 का ये हो जाएगा। असहमति, असहमति, क्रास भुजा अपने गर्दन को हिला के प्रदर्शित करते हैं, असहमति। चलिए 69 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 69 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है। सुनने की कुशलता को 69 का डी हो जाएगा आपका, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जितना है वो कह रहा है कि कुशलता को माना जाता है, स्पीकर को नहीं देखना, जबकि स्पीकर बोल रहा है, जब आप महसूस करते हैं तो स्पीकर सही नहीं है तो बीच में स्पीकर को व्यवधान करता है, आवाज़ की टोन पर विचार नहीं करते, केवल शब्दों पर फोकस करते हैं, उपकृत में से कोई नहीं। इसमें बिल्कुल सभी के सभी गलत हैं। यहाँ कह रहा है प्रभावी सुनने की कुशलता को माना जाता है, कौन सा प्रभावी, कोई प्रभावी है ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर क्या कह रहा है हमारा, और इसका क्या था 69 का डी, एक मिनट, ये आपका 69 का डी था, ठीक है, चलिए सही है, ओके। अब हम बात करेंगे 70 का, महिला के लिए व्यवसाय साक्षात्कार को फेस करते समय निम्नलिखित में से कौन सा ग्रूमिंग मानक सही है, कौन सा ग्रूमिंग मानक सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा फॉर्मल साड़ी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फॉर्मल साड़ी हो जाएगा। 71 की बात करेंगे, 71 क्या कह रहा है, समस्या हल करने के चरणों का सही क्रम क्या होता है, समस्या हल, 71 का बी ऑप्शन हो जाएगा, समस्या पहचानना, समस्या संचरण संरचना, संभव समाधान की तलाश, एक निर्णय लेना, लागू करना, प्रतिक्रिया की मांग करना, ये 71 का बी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा, ठीक है, या बी आपका इतना सारा समस्या का समाधान बताएगा। 72 क्या कह रहा हमारा, व्यापक पढ़ाई का अर्थ, व्यापक पढ़ाई 72 का हो जाएगा, व्यापक पढ़ाई का अर्थ है लिखित टेक्स्ट समझना होता है, व्यापक पढ़ाई सबसे ज़्यादा लिख के ही आप समझ सकते हैं। 73 की क्या बात करेंगे, 73 कह रहा है जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तब पर्याप्त की व्यवस्था आवश्यक होना चाहिए, पर्याप्त की व्यवस्था मतलब यहाँ भी स्पेस दिया है, तो 73 का भी हो जाएगा प्रकाश का, जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो तब पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ पर जितना है सब गलत है, बाकी प्रकाश आपका सही है, तो ये ऑप्शन 73 वाला, 73 का भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 हमारा ड्रेस कोड पोशाक संहिता, स्पेस यहाँ पर दिया है, 74 का हो जाएगा बी आपका, अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण होता है, अमौखिक संप्रेषण का उदाहरण होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये बताएंगे आपको, एप्लीकेशन लेटर है, एप्लीकेशन लेटर है 75 का, ये जो हो जाएगा आपकी मुख्य विशेषता तथा ध्यान तथा काम करने के लिए उपलब्धता का विवरण, काम करने के लिए उपलब्धता 75 का ये हो जाएगा आपका। एप्लीकेशन लेटर है, एप्लीकेशन लेटर है आपकी मुख्य विशेषता तथा काम करने के लिए आपकी उपलब्धता का विवरण है, ये आपका क्या है, एक एप्लीकेशन लेटर है 75 नंबर, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 75 पूरे हुए, तो चलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द सभी क्लियर कर सकता हूं, क्योंकि हमें भी उतना टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं कुल प्रयास करके वीडियो बना के आप लोगों को दे रहा हूँ, तो अपना जीवन सफल बनाइए आप लोग। और ये क्वेश्चन सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस रिपीटेड क्वेश्चन में क्या है कि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आए हैं, एनसीबीटी 17 17 17, यहाँ पर 16 16, यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे एग्ज़ाम कहीं ना कहीं आए हैं, आप देख सकते हैं इसको हर जगह, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, 17 है, 17 है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। तो 75 के बाद कल आपको, या अगर टाइम मिलता है शाम तक, तो ये भी क्लियर कर देंगे। चलिए दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं, नमस्कार।